सभी स्नेही साधकों को सादर अभिवादन एवं श्री रामचरितमानस के सत्संग की विनम्र प्रस्तुति में प्रणय पूर्ण स्वागतम। इस अत्यंत शोभामय पाठ में गोस्वामी तुलसीदास जी आगे लिखते हैं, चरण कमल बंदेउ तिन केरे, पूर्वेउ सकल मनोरथ मेरे, कली के कभिन करेउ पर नामा, जिन पढ़ने रघुपति गुण ग्रामा। भावार्थ, मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ, वे मेरे सब मनोरथों को पूरा करें। कलयुग के भी उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन किया है। जे प्राकृत कवि परम सयाने, भाषण जिन हरि चरित बखाने, भय जे अहि जे होई आगे, प्रणवेउ सभी कपट सब त्यागे। भावार्थ, जो बड़े बुद्धिमान प्राकृत कवि हैं जिन्होंने भाषा में हरि चरित्रों का वर्णन किया है, जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान हैं और जो आगे होंगे, उन सबको मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। होहु प्रसन्न देहु परदानु, साधु समाज भनिति सन्मानु, जो प्रबंध बुद्ध नहीं आदर ही, सो श्रमवादी बाल कवि कर ही। भावार्थ, आप सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उसकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कीर्ति भनीति भूति भली सोई, सुरसरी समसब कहें हित होई, राम सुकीर्ति भनीति भदेसा, अस मंजस अस मोही अंदेसा। भावार्थ, कीर्ति कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर सबका अनंत कल्याण करने वाली ही है, परंतु मेरी कविता भद्दी है, यह असमंजस से है, अर्थात इन दोनों का मेल नहीं मिलता, इसी की मुझे चिंता है। तुम्ही कृपाम सुलभ सो मोरे, सियनी सुहावनी टाट पटोरे। भावार्थ, परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है, रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है। सरल कबित कीर्ति बिमल सोई आदर ही सुजान, सहज बयर बिसराई रिपु जो सुनिकर ही बखान। भावार्थ, चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक बैर को भूलकर सराहना करने लगे। इस परलौकिक सुखमय सत समागम में आप जी हमारे साथ निरंतर मनन कर इसे अधिकतम उपयोगी बनाते रहें। सभी आराधकों का जीवन अति आनंदमय हो।